अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर शाम के 4 साढ़े 4, रिदा कब से मोबाइल चला रही है, रिदा को आवाज़ें लगा रही हूँ, रिदा सुन नहीं रही। मैंने कहा रिदा तुम, रिदा कहती मैं व्लॉग को स्टार्ट मैं करूँगी, मम्मा मुझे दिया करें। अभी ये देखे रिदा के काम, बस मोबाइल हाथ में वो लेटी हुई है। रिदा रिदा आवाज़ हो, उठो, ब्लॉगिंग स्टार्ट करो ना। स्टार्ट तो मैं ही कर रही हूँ। सुस्ती आज रिदा को बहुत सुस्ती आज घर का काम किया है ना? है। हाँ, घर का काम तो रोज़ा नहीं करते, आज घर का काम किए, रोज़ा नहीं घर का काम करते। बस ये रिदा रिदा को सुस्त बहुत है, कह रही मैं थक गई हूँ, आज मुझसे आपने ज़्यादा काम ले लिया है। तो हमने मिलकर किया क्योंकि कल मैं गिर गई थी स्टूल से, तो मेरे हाथ में बहुत दर्द, फिर भी मैं काम कर रही हूँ। किचन का मैंने किया, घर का रिदा ने किया, हमने मिलकर काम किया। तो कह रही मुझे सुस्ती हो रही है, रिदा ना रिदा को नहाना था, रिदा नहा ही नहीं क्योंकि आज थक गई थी, तो ठंडे पानी से इसको मैंने नहीं नहाने दिया। मैं तो नहा कर निकल के आ गई और ये देखिए रिदा कह रही मेरा घर दिखाएं मैंने कितना साफ़ किया है। ये पूरा घर रिदा ने साफ़ कर दिया, साफ़ सुथरा चमक रहा है घर। और यहाँ पर जी, यहाँ पर मुबीन बैठा हुआ है, मोबाइल पे मुबीन बैठा हुआ है, सामने रिदा मोबाइल पे बैठी हुई है और मैं अपनी ब्लॉगिंग कर रही हूँ। अभी जा रही हूँ असर की नमाज़ पढ़ने, असर की नमाज़ पढ़ूंगी अभी मैं, फिर देखते हैं रात को क्या बनाते हैं क्या करते हैं। तो जी मैंने पढ़ ली असर की नमाज़ और यहाँ पर मुबीन बैठा हुआ है, हमने नमाज़ पढ़ ली। अभी मैं पढ़ रही तस्बीह, तस्बीह पढ़ते पढ़ते मुझे मगरिब हो जाएगी, फिर मगरिब के बाद हम पकाएंगे। रिदा गई है समोसे लेने, रिदा को समोसे खाने का दिल था तो मुबीन कह रहा था मैं नहीं जा रहा आज, मेरा मूड नहीं हो रहा जाने को। तो रिदा खुद गई समोसे लेने के लिए, कह रही आज मेरा मूड हो रहा है मामा मैं समोसे खाऊँ, तो समोसे लेने गई और जब तक मैं तस्बीह। तो जी ये आ गए हमारे समोसे और रिदा समोसे गर्मा गर्म समोसे लाई है, बहुत ही अच्छी समोसे लाई है। और रिदा रायता वगैरह लेना भूल गई, कह रही आदमी ने मुझे दिया ही नहीं। और यार थकी हुई है, मेरे रिदा को कब से आवाज़ लगा रही हूँ, आ जा रिदा खा लेना, अभी रिदा को आवाज़ें लगा रही हूँ, आ जाओ। और यहाँ पर मुबीन, आ जा मुबीन समोसे आ गए, आ जा आ जा जल्दी कुर्सी लेकर आओ। तो यहाँ पर मुबीन अपनी मोबाइल पर लगा रहता है क्योंकि चार्जिंग के साथ साथ मोबाइल मोबाइल चलाता रहता है, चार्जिंग हो रही है। और कितनी इसने चार्जर ख़राब कर दिए हैं, चार्जिंग पर ही, क्योंकि इसकी मोबाइल की बैटरी लो ना हो जाए, यहीं पर बैठेगा, यहीं पर अपनी मोबाइल चार्ज करता रहेगा। और हमें डांटता है कि मामा चार्जिंग पे नहीं चलाया करो, खुद चार्जिंग पर ही चलाता है मोबाइल। आ जाओ भाई समोसे खा लो, ठंडे हो जाएंगे। रिदा ना केचप ना वो चटनी, ना ना केचप नहीं है ना। अरे तुम जाते ना, तुम्हें यही तो बोल रही थी कि तुम चले जाते लेकर आते। कह रहा है मम्मा केचप नहीं मंगवाई, रिदा केचर नहीं लाई, केचप नहीं लाई, केचर कह रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, यहाँ पर पढ़ी सोफे पे पड़ी हुई है जायनमाज़, और मैंने पढ़ ली मगरिब की नमाज़। अभी पढ़ रही है मैं कुरान शरीफ, क्योंकि यहाँ पर रिदा तुरई काट रही है क्योंकि रिदा बनाएगी अभी तुरई, रिदा बनाएगी या मैं बनाऊँगी, तो ये रिदा तुरई काट रही है। जब तक मैंने कहा मैं कुरान शरीफ पढ़ लूँ, सूरह वाकिया में पढ़ लूँ, फिर मैं इंशाल्लाह ताला। ये देखें जी रिदा बना रही है तुरई, रिदा बना रही है तुरई, और यहाँ पर टमाटर रिदा काट रही है, टमाटर दिखाओ रिदा, यहाँ पर टमाटर काट रही है और तुरई रिदा बना रही है। और मैं भी अभी बर्तन धोकर मैंने पूरे किए, तो रिदा कह रही थी मम्मा आज मैं पकाऊंगी, आपके हाथ में दर्द है, आटा रिदा गूंद कर देगी तो रोटियाँ मैं बनाऊँगी। वहाँ पर तुरई काट के मैंने रखी है, वहाँ पर पड़ी है। और ये रिदा प्याज तो देख लो, प्याज वो याद मेरा, ये लो रही काट। चलो जी मैं तुरई लेकर, यहाँ पर प्याज ब्राउन हो रहे हैं, रिदा बना रही है तुरई, प्याज ब्राउन हो रहे हैं और मैं तो हाथ में दर्द है, मुझसे तो चम्मच भी नहीं चलाया जा रहा मम्मी के हाथ में। और जी बहुत से शिकायत करते हैं कि आपका ना रिजल्ट साफ नहीं आता, तो भाई कैमरा तो मेरी माशाल्लाह मोबाइल तो मेरा बहुत अच्छा है, पर ये है कि फ्रंट कैमरा हमारा थोड़ा खराब हो गया है, थोड़ा सा खराब हो गया है, तो उसकी वजह से धुंधला नजर आता है। आपको करना पड़ेगा बर्दाश्त, जब तक मैं इसका कैमरा बनवाऊँ या दूसरा मोबाइल ले लूँ, मोबाइल तो मेरा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, मगर कैमरा फ्रंट का ना, मेरे बेटे से हाथ से मोबाइल गिर गया तो फ्रंट का रिजल्ट थोड़ा हमारा धुंधला आता है। और किचन में हमारा है वैसे भी है अंधेरा, किचन में तो वैसे हमारा कैप फ्रंट का जो रिजल्ट है ना वो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो जैसे मोबाइल गिरा ना तो वो क्या बोलते हैं भाई ने स्क्रीन चेंज करवाई तो वहीं से ही खराब होकर आ गया। तो हाँ बनाने वाले ने सही नहीं बनाई तो हमारी फ्रंट का शायद हमारा निकाल लिया होगा, फ्रंट का किया है तो हमारा धुंधला आता है, वरना मेरा तो बहुत। कौन सा है अपना मोबाइल? सैमसंग 8 प्लस। सैमसंग 8 प्लस है हमारा मोबाइल,
माशाल्लाह मोबाइल बहुत अच्छा है और यहाँ हमारे किचन में रोशनी भी बहुत कम है। ऊपर से देखें दो दो बल्ब लगे हुए हैं मगर यहाँ से हमारी रोशनी बहुत कम आती है। तो जी अभी यहाँ पर मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ और साथ में खाना भी बना रही हूँ। रिदा खाना भी बना रही है और रिदा की तुरई माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी बनाती है तुरई। तुम तो फिर कल चली जाओगी चाचू के घर पे, तुरई बना कर जाओ। तो अभी एक हफ्ते के लिए जा रही हूँ मैं भी। अभी रिदा कर रही है व्लॉग को एंड, अभी अम्मी को सारा काम करना पड़ेगा, अम्मी करना अकेले। तो रिदा वैसे मैं करती हूँ रिदा मैं नहीं करती रिदा। चलो ठीक है अब चलो हो गई फिर भी कर रही हूँ। चलो जी हम लोग व्लॉग को एंड करते हैं और इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी मिलती रहे। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।